राजधानी देहरादून में प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को लेकर दिखाया गया और यह बताया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाना, खरीदना और बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि सिर्फ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से काम नहीं चलेगा, लोगों को भी प्लास्टिक के उपयोग करने से परहेज करना चाहिए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कहा है कि प्लास्टिक 1 जुलाई से बंद हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि देहरादून के लोग मन से त्यागें कि हमने प्लास्टिक को बंद कर दिया। देहरादून के लोग मन से त्यागेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन जो है प्लास्टिक बंद हो जाएगी। हम माइक्रोन पे जा ही नहीं रहे कि ये 75 का है, ये 100 का है, ये 100 डिग्री का है, ये गल जाएगा नहीं गलेगा। हमारा प्रयास ये है, मेरा स्वयं का और देहरादून वासियों का प्रयास ये होना चाहिए कि देहरादून में प्लास्टिक हम प्रयोग ना